आसंता जानुरी 22 रे उत्तर प्रदेश अयोध्या प्रतिष्ठा हेब प्रभु रामंकर भव्य मंदिर ए ऐतिहासिक दिन पई चली जोरसोर काम आसबू भितर सामना को आसी राम मंदिर रातिर दृश्य रंगीन लाइट रे झलसुची जटायु पक्षी सहित गर्भगृहर किसी दृश्य आ सोशल मीडिया एक्स रे फोटो पोस्ट कर राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट समस्त यह फोटो गुड़िक देखाई श्री रामंकर भव्य मंदिर संपूर्ण निजस्व कौशल निर्माण करा मंदिर रही 392 स्तंभ 44 द्वार मंदिर दैर्घ्य 380 मीटर प्रस्त 250 मीटर उच्चता 161 फुट प्रवेश पहाच रैंप भिन्नक्षम लिफ्ट रही आते बड़ भव्य मंदिर निर्माण में आदो लुहा व्यवहार कर मंदिर परिसर में 25,000 यात्री रही सुविधा रही मंदिर परिसर में 70% स्थान में वृक्षरोपण समारोह में सारा देश में 50,000 कोटी व्यवसाय होकलन होपटे राम मंदिर में लगवा कबाट निर्माण चली दिन राति काम करीगर अयोध्या राम मंदिर निर्माण शेष पर्यायर पहुंची बेले आवश्यक जिनसपत पहुंचे लगी गोटे पर गोटे दान आसू मंदिर को मंदिर प्रवेश द्वार रे ड्रम मंदिर परिसर रे ध्वज दंड स्थापन होशेषकर मंदिर पर स्वतंत्र घंट रही सब विभिन्न स्थान में निर्माण होगापर अयोध्या पहुंचे लगी राम मंदिर रे स्थापन हेब स्वतंत्र घंट जो घंट तैयारी पीतल नगरी भाव प्रसिद्धि लाभ कर उत्तर प्रदेश एटा जलेसर रे किलो ओजन घंट तैयारी अष्टधातु विशाल घंटर विशेषता एकक ढलईरे तैयारी अर्थात सिंगल पीस रे तैयारी एहाकु तयारी करिबा पई 400 रु अधिक कारीगर श्रमदान करिछंती खर्च होईछि 25 लाख टंका ए घंटटी 6 फुट उच्च ओ 5 फुट ओसारर 2400 किलो का घंटा है और ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घंटा है और ये हम सभी जलेसर वासियों का एटा वासियों का संपूर्ण ब्रज प्रांत का ये सौभाग्य है कि अयोध्या में ब्रज की यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी का घंटा वहां पर बजेगा तो ये इस अपना तो मित्तल परिवार है इसका भी बहुत बड़ा इसके में धन्यवाद और संपूर्ण जनता का आज देख रहे हैं कि सभी बहुत प्रसन्न हैं। ये घंट को एक शोभा यात्रा रे अयोध्या आना जाउछि घंट को पूजा अर्चना परे ट्रक रे रखी शहर परिक्रमा करा जाइछि प्रभु श्री रामंक पाई स्वतंत्र घंट तयारी रो सुजोग मिलिथिबारु जलेसर रो घंट कारीगर मने निज को भाग्यवान मणिछंती घंटा ये बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है भारतवर्ष में बनने वाला पहला एकमात्र सिंगल पीस घंटा है जिसमें कोई जोर नहीं है और अपने आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और ये सबसे बड़ी बात यह की अपने नाम में हमारा घंटा स्वीकार हो गया है पूरे विश्व से पूरे देश भर से कोने कोने से लोग कुछ न कुछ अर्पण करने को तैयार है लेकिन वहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से वो लोग अर्पण कर नहीं पा रहे लेकिन हमारे पास सौभाग्य का विषय है पूरे जलेसर के लिए कि घंटा हमारा धर्म तक गया है। सेहीपरी गुजरात रे निर्मित होइतिबा ध्वज दंड अयोध्या रे आसी पहुंच जाइछि सर्वमोट 7टी ध्वज दंड निर्माण करा जाइछि मुख्य ध्वज दंड 44 फुट उच्चता विशिष्ट होइतिबा बेले अन्य 6टी ध्वज दंड 20 फुट रो प्रमुख ध्वज दंड रो ओजन 5500 किलोग्राम अन्य 6टी दंड प्रत्येक 800 किलो ओजन रो एहाकु तयारी करबा पई 50 कुशली श्रमिक 6 मास रो अधिक समय नैथिले भगवान राम लला के मंदिर में 161 फीट ऊपर शिखर पर एक विजय ध्वज लगेगा जिसे धर्म दंड कहा जाएगा वो धर्म दंड अब एलएनटी के द्वारा बनवाया गया है जो अयोध्या पहुंच गया है और यहां पर उसको लेकर आने वाले लोग हैं साथ ही बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं इनसे कहने की इसकी विशेषता क्या है और किस किस तरीके से यहाँ पहुँचा है ये आप कहाँ से लेके आए हैं अहमदाबाद से कितने ऊँचा है क्या क्या है इसमें इसमें 7 पीस है जिसमें एक पीस का लेंथ 44 फीट है और 6 पीस का लेंथ जो है 20 से 21 फीट है इसको बनाने में कितना समय लगा चूंकि आप कारीगर हैं इसको बनाने में कितना समय लगा तो बनाने में करीबन सर इसको 8 से 9 महीने का टाइम हुआ है करीबन हम 50 से 60 बंदे ने मिलके उसको बनाया हुआ है
हमारी कंपनी गुजरात में गोता विस्तार में है। ये पूरा ब्रास का बना हुआ है सर, और जो मुख्य ध्वजदंड है उसका वजन 5.5 टन है। प्रभु रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पाखे आसुवा बेले मंदिर निर्माण अंतिम पर्याय कम जोरसोर से चली। घंट और ध्वजदंड अनेक सामग्री अयोध्या पहुंचबार लगी। सब सामग्री को उपयुक्त स्थान में अवस्थापन करने नहीं मंदिर ट्रस्ट ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राज्य में कमिबो आंथ्राक्स और ईएनटीवी रोगर परिमाण अत्याधुनिक ज्ञानकौशल उपयोग करी अधिक संख्यक अधिक उन्नतमानर टीका उत्पादन ने योजना प्रस्तुत होई। ब्रह्मपुर आंथ्राक्स और ईएनटीवी टीका उत्पादन पर राज्य सरकार मत्स्य प्राणी संपद विभाग राष्ट्रीय दुग्ध उन्नयन बोर्ड मध्य चुक्तिनामा स्वाक्षरित हो। 36 मास मध्य 52.2 कोटी टंका व्ययर निर्माण होगा। अत्याधुनिक लैबोरेटरी में वार्षिक 50 लक्ष आंथ्राक्स और ईएनटीवी टीका उत्पादन करने लक्ष्य रखा। ए लैबोरेटरी राज्य में टीकार चाहिदा मेंटाइबा सहित बाहर राज्य को टीका जोगाइब। थ्राक्स एवं ईएनटी ए दुई प्रकार टीका हम ओडिसा रे थ्राक्स एवं ईएनटी ए दुई प्रकार टीका हम ओडिसा रे कन्वेंशनल मेथड रे प्रोडक्शन होतला जहां सफिशिएंट नु है। आम 14 लक्ष प्रोडक्शन करुचु जहाँ 200 लक्ष पहुँचब विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो विषय में आज आम एकाठी एमओयू साइन कलु एनडीडीबी सहित। स्टेट ऑफ द आर्ट नुआ टेक्नोलॉजी रे हबो एंड इट विल बी टोटली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड क्लास अनुसार करने निर्देश। ये सब काम आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश में रेकर्ड टाइमिंग भितर कर एवं यहाँ सैटेलाइट सिटी ब्रह्मपुर जो गोटा ओबीपीआई कैंपस भीतर हम We'll be right back.